हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चाय की चुस्कियों में चाहत की महक से पुलिस कर्मियों का दिल हुआ बागबान। लॉकडाउन में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को रोजाना चाय पिलाने वाले देवराज टांग की सेवा का नहीं कोई जवाब। कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के दौरान चिलचिलाती धूप में सड़कों पर पसीने से लथपथ होकर ड्यूटी को अंजाम देने वाले पुलिस कर्मियों का अलग ही रूप लोगों के सामने आ रहा है। मुश्किल के इस दौर में वे जरूरतमंदों तक राशन पानी मुआयदा कराने के साथ जरूरत पड़ने पर लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने का नेक कार्य भी कर रहे हैं। लोगों की सेवा के इन कार्यों से पुलिस कर्मियों के प्रति लोगों का सम्मान भी बढ़ रहा है। वहीं कुछ लोग इनका ख्याल रखने के लिए भी आगे आ रहे हैं। देवराज टांग तो ड्यूटी लगे पुलिस कर्मियों को अपने घर से चाय तक लाकर पिलाने का अपना नैतिक फर्ज अदा कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत पसीना बह रहे हैं और रात दिन ये करके जनता की सेवा करें, इसके लिए हम भी कुछ सोच रहे हैं कि इनकी कुछ सेवा की जाए तो उसके लिए अच्छा रहेगा। और ये जनता के लिए रात और दिन ये कर रहे हैं, ये इनका बहुत अपना फर्ज बहुत अच्छा निभा रहे हैं, इसके लिए इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये कोरोना का ये टाइम में इन्होंने पुलिस प्रशासन राजस्थान की प्रदेश की पुलिस प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, इनकी वजह से ये सिरोही जिले के अंदर एक भी पॉजिटिव नहीं आया है। शहर के राजमाता रोड निवासी देवराज टांग प्रतिदिन शाम को अपने घर से चाय बनाकर केतली में पुलिस कर्मियों की तैनाती के पॉइंट पर पहुंचते हैं और सड़कों पर ड्यूटी करने वाले पुलिस के जवानों को बड़े प्यार और मनवार के साथ चाय पिलाते हैं। ये सिलसिला लॉकडाउन लागू होने के दिन से ही लगातार जारी है। पुलिस कर्मियों का कहना है कि देवराज टांग प्रतिदिन उन्हें चाय पिलाते हैं। बहुत खुशी होती है जब उन्हें घर की बनी चाय मिलती है और लगता है कि उन्हें अपने घर का ही कोई सदस्य चाय पिला रहा है। वहीं एक पुलिसकर्मी ने बताया कि उनके सर्विस काल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई व्यक्ति प्रेम से चाय पिला रहा हो। वे धन्यवाद के पात्र हैं। चाय पिलाने वाले देवराज शाह का कहना है कि जो लोग हमारी सुरक्षा कर रहे हैं उनके प्रति हमारा भी फर्ज बनता है, हमें खुशी मिलती है इसलिए हम ये सेवा कर रहे हैं। सिरोही से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।